क्रिकेट की जबरदस्त खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एसके न्यूज एक्सप्रेस को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच दुबई में खेला गया। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग को हार झेलनी पड़ी। दिल्ली ने चेन्नई को 44 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं चेन्नई की टीम को आईपीएल 2020 में लगातार दूसरी हार भी मिली। इस मैच में सीएसके के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर दिल्ली के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुनी। ऐसे में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी और मुकाबला 44 रन से हार गई। दिल्ली की पारी पृथ्वी शॉ ने ठोकी 50। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरे दिल्ली की टीम को पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने सदी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 6 ओवर के पावर प्ले में 36 रन बनाए। ज्यादातर रन शॉ के बल्ले से निकले। हालांकि इसके बाद दोनों ने तेजी से रन बनाए और 10 ओवर में 88 रन बना दिए। हालांकि अगले ही ओवर में शिखर धवन 35 रन के निजी स्कोर पर पीयूष चावला के शिकार बने। दिल्ली कैपिटल के ओपनर पृथ्वी शॉ ने 35 गेंदों में 8 चौकों की मदद से अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 64 रन के निजी स्कोर पर वे पीयूष चावला की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। सीएसके को तीसरा विकेट श्रेयस अय्यर के रूप में मिला, जिन्हें 26 रन के निजी स्कोर पर सैम मुर्गन ने आउट किया। धोनी ने उनका शानदार कैच पकड़ा। दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत 35 और मार्कस स्टोइनिस 5 रन बनाकर नाबाद रहे। सीएसके की पारी नहीं चली धुरंधर। जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे सीएसके का पहला विकेट शेन वाटसन के तौर पर गिरा, जिन्होंने 14 रन बनाए। वहीं मुरली विजय भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऋतुराज गायकवाड़ 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि केदार जाधव ने अच्छी कोशिश की और 26 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। टीम को 5वां झटका फाफ डुप्लेसिस के रूप में लगा, जो 35 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रूप में टीम को 6ठा झटका लगा। धोनी 12 गेंदों में 15 रन बनाकर 112 की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच हो गए। टीम का 7वां विकेट रविंद्र जडेजा के तौर पर गिरा, जो पारी की आखिरी गेंद पर अमित मिश्रा के हाथों कैच आउट हो गए। सैम कुर्रन 1 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब चेन्नई का अगला मैच 2 अक्टूबर को होगा। चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। शेन वाटसन, मुरली विजय, फाफ डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी कप्तान, विकेट कीपर सैन कुर्रन, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, दीपक चाहर और जोस हेजलवुड थे। दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, विकेट कीपर श्रेयस अय्यर कप्तान, सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, कैक्सो रबाड़ा, एंड्रिक नारखिया और आवेश खान। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद।